ठीक है, लेक्चर फाइव की बात कर रहे हैं। लेक्चर फाइव में आपका जो हम कराएंगे वो होगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स व्हाइल इंटीग्रेटिंग एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स व्हाइल इंटीग्रेटिंग, क्या करना है, इंटीग्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस। जब आप इंटीग्रेट किधर करोगे, वाई एक्सिस, व्हाइल इंटीग्रेटिंग अलोंग, व्हाइल इंटीग्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, बिल्कुल अलोंग वाई एक्सिस। जब आप वाई एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करोगे, वाई एक्सिस के अलोंग, समझ रहे हो ना मेरा मतलब, तो आपका एरिया बाउंडेड क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, करें, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स व्हाइल इंटीग्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस। देखो बेटे बहुत ही सिंपल है, समटाइम्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वाई इज वेरी यूजफुल। बेटे वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है, इज वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल है, थोड़ा ध्यान रखना। दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, कौन सी स्ट्रिप लोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, कौन सी भी हॉरिजॉन्टल, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। देखो बेटे यहां मैं लिखने जा रहा हूं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई कर्व, एक कर्व हो गया और फिर हमारी वाई एक्सिस होगी, तो वाई एक्सिस के अलोंग लेने जा रहे हैं ना भाई, वाई एक्सिस एंड द टू एब्सिसा, एंड द टू एब्सिसा, और दो एब्सिसा ले लो, एंड द टू एब्सिसा, समझा रहे हैं, एंड द टू एब्सिसा, एब्सिसा की स्पेलिंग सही है ना भाई, ये एब्सिसाज लिख देते हैं ना, एट वाई इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी, ये बेटे देखना जरा ध्यान से, y इक्वल टू बी, ये इज रिटन एज, उसको हम कैसे लिखेंगे, इज रिटन एज a इक्वल टू, इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया ये, और a से b आप इंटीग्रेट करोगे x dy को, किसको बेटे, x dy को इंटीग्रेट करोगे, ये आपका एरिया का बात हम कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये देखो बेटे कैसे होगा, मैं इसको डायग्राम के साथ बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना डायग्राम, देखो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना भाई, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है ना, और ये हमारा है ओरिजिन, और इधर तो एक्स डैश होता है और हमें पता है इधर क्या होता है, वाई डैश, ठीक है, पता ना मुझे, गुड। अब बेटे अगर ये हमारा कर्व है, कौन सा है, एक बार एक्स ऐसे ही होता है, लग रहा है वन पे क्रॉस करेगा तो ही, मान लेते हैं एफएक्स है, ये कौन है, एफएक्स है, और एक लाइन ले लेता हूं मैं जिसका नाम है वाई इक्वल टू ए, कौन सी, वाई इक्वल टू ए, ये लाइन है आपकी वाई इक्वल टू ए, ये लाइन है बेटे वाई इक्वल टू ए, और फिर मैं लूंगा एक लाइन जिसका नाम है वाई इक्वल टू बी, और ये दोनों किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, इनके बीच में जो एरिया है, बिल्कुल y इक्वल टू बी, ठीक है भाई, कोई डाउट है तो बता सकते हो, सही लिखा है हमने, कोई प्रॉब्लम है, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी के बीच में जो एरिया y एक्सिस के साथ में, और ये जो कर्व जो एरिया बाउंड कर रहा है वो हमने निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसकी अगर आप बात करोगे, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की अगर आप बात करोगे, तो ये विड्थ इसकी क्या होगी, dy, विड्थ क्या इसकी, dy, अगर इसकी विड्थ dy है और ये y इक्वल टू बी है और ये कौन है, y इक्वल टू ए, तो इसके अंदर जो एरिया बाउंडेड है वो हमने निकालना है, एरिया बाउंडेड कौन सा है बेटे, ये वाला एरिया बाउंडेड है, ये वाला,
है ना, जो मैं बना रहा हूँ दिख रहा है yes, sir. ये वाला एरिया तो बाउंडेड है इसका, है ना भाई hmm. ये हमने एरिया निकाला, कैसे निकालोगे ऐसे? अब मैं इसको इंटीग्रेट अगर करूंगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बेटे मैंने अभी आपको बोला था कि एरिया अगर मैं निकालूंगा तो मैं इंटीग्रेट करूंगा ए से बी, क्या ए से बी, ए से बी, और मैंने क्या करना है एक्स को मल्टीप्लाई करना है डीवाई के साथ, किसके साथ डीवाई, एक्स को डीवाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ए से बी तक, और ये वाला शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा ए से बी। मैंने फिर से बता देता हूँ एक्स से ही क्यों कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ उसका रीजन देता हूँ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कौन है एक्स, यानी कि ये एक ब्रेथ है और ये कौन है आपकी लेंथ है, तो एक्स को डीवाई से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगल है के हिसाब से रेक्टेंगल का एरिया यही होता है, और फिर इसको ए से बी तक मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया बेटा। ये देखो कोई डाउट है तो बता सकते हो, तो सही है, अगर आप भूल जाते हो तो बाई चांस तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, पता लगे कि ये रेक्टेंगल से आप, है ना। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू, दिया हुआ है बच्चे एक्स इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, कौन है भाई टू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड द वाई एक्सिस, और कौन है भाई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें पहले इसको ड्रॉ करना होगा बेटे, ये x में इक्वेशन आनी चाहिए, x इक्वल टू जो भी आएगा वो y में ही आएगा yes, और y इंटू डीवाई, मतलब समझा रहा है, मतलब x इक्वल टू हो सकता है वाई स्क्वायर, हो सकता है x इक्वल टू क्या हो वाई स्क्वायर हो, या वाई स्क्वायर रखेंगे और साथ में क्या रखेंगे डीवाई, तो उसको फिर क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। आ रहा है समझ में, तो ग्राफ बनाऊं मैं, ये कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये x है और ये हमारा y है, और जहां दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, ये होता है, और 2y माइनस वाई स्क्वायर की अगर आप बात करोगे, अगर इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, क्या करेंगे इक्वल टू जीरो, और y कॉमन ले लेंगे, y क्या ले लेंगे इसमें से कॉमन, एक टू आ जाएगा, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं जीरो कॉमन टू, तो ऑब्वियसली आपका ग्राफ ऐसे जाएगा ना, इस बार ऐसे जाएगा ना भाई, वाई में क्वेश्चन है तो आपका ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, है ना भाई। तो ये ग्राफ जो आपने बनाया है अभी ड्रॉ किया है ये है, तो वाई को आप जीरो रखोगे तो एक्स जीरो कॉमा जीरो, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने सही बोला, जब वाई को आप जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो, और जब आप वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे टू, तो भी ये क्या आएगा जीरो आएगा, तो इसलिए है ना समझ आ रहा है, तो यानी कि हम एक्स की वैल्यू अगर जीरो बोलेंगे यहाँ तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है टू, और यहाँ क्या आ रही है जीरो 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 कॉमा, फिर वही काम करूंगा मैं, कौन सी स्ट्रिप लूंगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी टू dy, कितनी विड्थ होगी विड्थ हाँ। dy होगी है ना yes, और इसको कोई बात नहीं, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा अभी धीरे धीरे समझ आएगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा इसको मैं, इसको मैंने इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके टू तक, क्या करना है जीरो से टू तक, किसको x को dy x इंटू dy, ये समझा रहा है जीरो से टू तक इसको मैंने पूरा का पूरा क्या कर देना है शेडेड रीजन निकाल देना है जीरो से टू तक का, ये वाला पूरा ठीक है, जीरो से टू एक्स डीवाई, ये पॉइंट क्लियर है एक्स डीवाई क्यों आ रहा है ये पता लग रहा है yes, अब बेटे मैं एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ, तो वो जो वैल्यू है वो है टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये पुट करूंगा मैं yes, और साथ में कौन चलेगा डीवाई, डीवाई अंदर आएगा, डीवाई जब अंदर आएगा तो ये आएगा जीरो से टू, हाँ जी जीरो से टू, टू को बाहर निकाल सकता हूँ मैं, वाई डीवाई माइनस जीरो से टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा डीवाई, डीवाई कोई डाउट है yes, तो बेटे y का इंटीग्रेशन क्या होता है y स्क्वायर अपॉन टू, y स्क्वायर अपॉन, देखो ये इधर आ जाएगा हमारा, इधर कर दो कॉपी, तो ये हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद में आएगा जीरो से बाहर था, फिर से मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, जीरो से टू, टू बाहर था वाई डी वाई, और फिर मैंने इंटीग्रेट करना है माइनस जीरो से टू बेटे ये वाई स्क्वायर डी वाई, यही है ठीक है। अब देखो बेटे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, और जब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है तो टू और y स्क्वायर अपॉन क्या आएगा टू, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा yes, है ना, कहां से कहां तक जीरो से टू माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा y क्यूब अपॉन थ्री जीरो से टू, जीरो से पहले टू पुट करें yes, जब आप टू पुट करोगे तो आएगा फोर अपॉन टू, और फिर जीरो माइनस हो जाएगा, जीरो तो लिखने की नीड ही नहीं है, माइनस क्योंकि जीरो पुट करेंगे जीरो आएगा, टू क्यूब अपॉन क्या आएगा थ्री, और फिर माइनस जीरो
फिर वही काम होगा है ना, और ये होगा 2 × 2 हो जाएगा बच्चे यहाँ है ना, और -8/3 कुछ लोगों नहीं समझा रहा होगा, आ रहा है 8/3 टू टू सर क्या होगा 4 -8/3 एलसीएम लेना आता है हमें 4/3 स्क्वायर यूनिट लिख दूं मैं इसको, कोई डाउट है तो ये हमारा एरिया आ गया जो हमने निकालना था स्क्वायर यूनिट, ठीक है ये डाउट है किसी को, स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में आता है ना भाई, ठीक है तो अगला क्वेश्चन करें नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, कौन है भाई साइन इनवर्स x, और फिर दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है और इन दोनों के ग्राफ हम सभी जानते हैं और x एक्सिस बोला, इसमें थोड़ा ध्यान रखना क्या बोला x एक्सिस, इसमें y एक्सिस नहीं है थोड़ा ध्यान एक्सिस के बीच, ठीक है ये एरिया मैंने निकालना है, करें भाई ये क्वेश्चन, देखो बेटे ये कौन सी एक्सिस है y एक्सिस है, ये कौन सी है भाई x x एक्सिस है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये किसका ग्राफ है, वेरी गुड राइट, एंड ये कौन सा ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स, ये ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का और ये वाला पिंक वाला साइन इनवर्स एक्स का, तो आप ही मुझे बताओगे कि कौन सा एरिया शेडेड है और कोई तो आ नहीं ना भाई, वाई एक्सिस के साथ बात करते तो मैं ये ले लेता भाई, ये एक्स एक्सिस के साथ बोल रहा है तो यही एरिया आएगा ना, कोई गलत कर रहा है क्या यहाँ, तो ये साइन इनवर्स एक्स है ये आपका कॉस इनवर्स एक्स है, सही बनना है ना, ये कहाँ इंटरसेक्ट करता है ये पाई बाय टू पे, कौन कौन साइन इनवर्स एक्स, ये तो जीरो पे करता है यहाँ सॉरी कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू फिर ऊपर पाई होता है ना पाई, वो मैंने नहीं बनना क्या फर्क पड़ेगा, तो भी पाई ले लो यार किसी को डाउट है तो पाई ले लो, अब सही है समझा रहे हैं तो ये हमने ग्राफ बना दिया, ये वाला एरिया निकालना है, बताओ ये इंटरसेक्ट कहाँ करता है, ये पॉइंट क्या होता है 1 होता है, इसका डोमेन क्या होता है -1 से 1, साइन का भी यही होता है दोनों के सेम ही होते हैं डोमेन, दोनों के डोमेन क्या होते हैं सेम होते हैं, दोनों के ही डोमेन -1 से 1 होते हैं और पाई बाय टू से लेके -π/2 से π/2 इसकी रेंज, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है तो करें इसको वर्टिकल स्ट्रिप लेनी होगी हॉरिजॉन्टल इस बार फिर गलत बोल रहे हो आपने x एक्सिस के साथ लेना वर्टिकल वर्टिकल बोलो है ना आपने वो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल कर रखी है तो वैसे ही बोल दिया वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे कौन सी स्ट्रिप लेंगे भाई वर्टिकल स्ट्रिप उसकी यहाँ से ज्यादा विड्थ क्या होगी dx होगी क्या होगी भाई dx करें इसे सॉल्व yes, तो बेटे मैं पहले क्या करूंगा ये पॉइंट बता सकते हो जहां इंटरसेक्ट करेंगे कौन सा पॉइंट है ये 1/√2 45 पे ना बिल्कुल 1/√2 yes, 45 ऊपर हाँ. हो गया ना यहाँ तो 1/√2 में चलता yes, है ना ये वाला yes, अरे रेडियन तो ऊपर है ना इधर मतलब बोली थी दोनों की वैल्यू उसके सेम होती है वो सही है ये 1/√2 आएगा अब आपका टारगेट है एरिया निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से 1/√2 तक 1/√2 तक 0 से 1/√2 कौन है ये पिंक वाला साइन इनवर्स एक्स को पहले आप साइन इनवर्स एक्स को क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे प्लस करोगे 0 से 1/√2 से 1 तक अब आप किसको कर रहे हो कॉस इनवर्स एक्स को अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डीएक्स तो लगाना आता ही हमें अब बताओ बेटे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज हुई है वर्टिकल हुई है अगर हॉरिजॉन्टल यूज होती तो क्या करता तो मैं बता क्या करता मैं बता क्या करता मैं इसको ऐसे लेता हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में तो x इक्वल टू क्या आता cos y और साइन इनवर्स x अगर इक्वल टू y करता तो यहाँ से x इक्वल टू साइन y आता बेटे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें अच्छे से आता है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई सही बात है ये आपको आता है ना फॉर्मूला ये तो 1/√1 बोल बेटे बेटे साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला नहीं होता ये आपका डिफरेंशिएशन का होता है जो आप बता रहे ठीक है तो अब ये फार्मूले से ये सॉल्व नहीं हो रहा तो अब मुझे कौन सी स्ट्रिप लेनी होगी कौन सी लूंगा नहीं तो लेंथ ही हो जाएगा क्वेश्चन मेरा ठीक है दोबारा से करूंगा फिर देख बेटे अब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने जा रहा हूँ कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस है और ये कौन सी है भाई एक्स एक्सिस है ठीक है ये किसका ग्राफ है ये वाला साइन इनवर्स का है और ये ग्राफ जो है ये साइन इनवर्स एक्स का है ठीक है भाई तो मैं कौन सी स्ट्रिप लूंगा हॉरिजॉन्टल हम सभी को पता है ये इंटरसेक्ट दोनों कहाँ करते हैं 1/√2 पे और यहाँ ये पॉइंट कौन होता है π/4 पे ही होता है और ये कौन सा है साइन इनवर्स एक्स का है ये कॉस इनवर्स एक्स का है मैंने ये वाला स्ट्रिप का एरिया निकालना ये वाला एरिया तो मैं काम करता हूँ भाई मुझे क्या दिया हुआ है
मुझे क्या दिया, कॉस इनवर्स एक्स है, ये कॉस इनवर्स एक्स ही है ना, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस वाई, कुछ गलत लिखा हमने, अरे भाई ये उधर चला जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई आ जाएगा, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है वो एक्स में क्या है, कॉस वाई, ठीक है, ये वाली जो ग्राफ है वो एक्स में क्या है, कॉस वाई है, और ये वाला है अगर एक्स में तो साइन वाई है, यानी कि वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिया है, और इसको मैं अगर करूंगा तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, साइन वाई, ठीक है। तो अब एरिया निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एरिया, अब मैं कौन सी स्ट्रिप लूंगा, ठीक है, अगर हमेशा ध्यान रखना होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा तो ये वाली आएगी, पहले बेटे देखो ये वाला पूरा इंटीग्रेट होगा कहां से कहां तक, जीरो से लेके कहां तक करूंगा मैं, पाई बाय फोर, आ रहा होगा समझ, तो यानी कि जीरो से पाई बाय फोर पहले मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा, कॉस वाई, कॉस वाई, ध्यान रखना यहां एक्स डीवाई होता है, एक्स रख दिया हमने और फिर इंटू क्या आएगा, डीवाई, वर्टिकल स्ट्रिप में दूसरा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये होता है, अभी ठीक है, तो ये आ गया प्लस, फिर क्या करूंगा मैं, प्लस नहीं माइनस, आपने ये वाला एरिया निकाल दिया, आपने ये वाला एरिया निकाल दिया, इसमें से ये वाला एरिया माइनस, फिर से बता देता हूँ मैं, फिर से सुनो भाई, मैंने ये पिंक वाला एरिया निकाल लिया, ये वाला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो मुझे ये थोड़ी ना चाहिए था पूरा, मुझे कौन सा चाहिए, इधर वाला, मैं अब क्या करूंगा, ये वाला एरिया माइनस करूंगा साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, वो कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाय फोर, तो माइनस करूंगा साइन इनवर्स एक्स वाला, यानी कि जीरो से पाई बाय फोर, एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन वाई डी वाई, इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, अभी नहीं आया, तो ये ज्यादा इजी है, वो वाला इजी था, ये ज्यादा इजी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है, कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन वाई, और कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाय फोर, माइनस कॉस वाई, और इसका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना भाई, कॉस वाई जीरो से पाई बाय फोर, वैल्यू पुट करनी आती होगी, वन बाय रूट टू, ये भी आएगा, और वो भी कितना आएगा, वन बाय रूट टू बचेगा, तो रूट टू स्क्वायर यूनिट लिख दूंगा, कुछ गलती हुई है क्या, आप लोगों ने काम नहीं किया, यहाँ जब कॉस जीरो आया था जीरो पे वन होता है ना वैल्यू, भूल गया, तो माइनस वन भी आना था, एक भूला ना करो, ये है ना रूट टू माइनस वन करके देखिए, याद रखा करो, आपको क्या कंफ्यूजन ये हो गया कि वो भी शायद है ना, ये होता है कि कॉस वाई भी शायद जीरो आ जाए, ये डाउट था लोगों को, है ना, ये समझा गया होगा, ऐसे क्वेश्चन है, और इसी से फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द पैराबोला, एक तो बेटे ये पैराबोला है और एक है एक्स इक्वल टू वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये दो पैराबोलाज हैं, आप बना दोगे ये दोनों पैराबोला, खड़े जाओ ये बनाएंगे, हाँ जी देखो बेटे ये वाई एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, तो पैराबोला की बात करें ये कौन है, ओरिजिन, तो x इक्वल टू माइनस टू वाई स्क्वायर की बात कर रहा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, हो सकता है ऐसा भाई, माइनस एक्स, हाँ बन सकता है ना, इसका ग्राफ आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ये पहली बात तो ओरिजिन से जाएगा भाई, जीरो पुट करने में ये भी जीरो आ रहा है दोनों, और फिर बताओ ये ऐसे जाएगा, ऐसा वाला बिल्कुल सही बोल रही है वो, वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स में ऐसे जाता है तो माइनस ऐसे, तो माइनस एक्स बाय टू है ना, आगे समझ में कि नहीं, टू ओपन होगा, ये लोग बेटे सही बोल रही है वो, तो ये वाला भी आप बताओ आपने ऐसा क्यों बोला, सुनो इनको दूसरा वाला, सेकंड वाला, वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर का ग्राफ आप कैसे बनाओगे, सुनो बताएंगे वो, पहले बात तो इधर से ही जाएगा वो भी, जैसे मान लो माइनस थ्री वाई स्क्वायर ऐसे है तो वन डिस्टेंस को आगे कर देंगे, तो मतलब यहाँ से ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से ऐसे है ना, बना दें वो भी, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बना दें बेटे, ये बेटे हाफ है ना भाई, ये पॉइंट आप ले सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या वन होगा भाई, वन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वन नहीं, ये पूरा जो ग्राफ बना ये बना वन माइनस, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन क्वारिनेट में सब क्लियर हो जाएंगे आपको, क्वारिनेट पता लग जाए ना, पैराबोला कैसे बनेंगे, एक्स इक्वल टू सब रिलेटेड है ना एक दूसरे से, एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई स्क्वायर, ये वाला पॉइंट कौन है भाई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इक्वेट करना आता ही होगा, तो ये उधर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो प्लस माइनस वन, वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन, वाई की वैल्यू वन रखो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस टू, माइनस टू, तो ये वाला पॉइंट हो गया माइनस टू कॉमा वन, माइनस वन, और ये वाला हो गया माइनस टू कॉमा वन, अभी नहीं आया,
तो इंटीग्रेशन करें अब, क्या कोई डाउट है? सॉल्व करने के बाद सब पता लग गया ना हमें बेटे, पॉइंट एरिया किसके साथ निकालना, एरिया बेटे बाउंडेड निकालना ना, बीच वाला, तो इसमें से ये माइनस ये वाला करें। हाँ सही बोल रही है वो कि आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कैसे करें हम, कोई आइडिया है आपके पास? एरिया निकालू मैं, एरिया को पहले एक काम करूं ऊपर वाले का निकालू ना, मुझे इसका निकाल लेता हूँ, टू टाइम्स कर दूंगा, माइनस कर दूंगा मैं ये वाला एरिया, मैं पहले निकालता हूँ ठीक है, और उसमें से टू टाइम्स कर दूंगा फिर, और माइनस कर लूंगा फिर टू टाइम्स करके, ओ सॉरी टू टाइम्स करूंगा बाद में, है ना। एरिया इक्वल होगा टू टाइम्स जीरो से वन, क्या जीरो से वन, जीरो से वन का है भाई, वन का है ये वन, भाई मैं ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, तो हम रेंज लेते हैं, हाँ जी वर्टिकल में बिल्कुल वर्टिकल डोमेन लेते हैं ठीक है। इसमें जीरो से वन तक मैं पहले इंटीग्रेट करूंगा, किसको किसको करूंगा, वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर, हाँ यानी कि एक्स वन, थोड़ा ध्यान रखना, एक्स वन माइनस एक्स टू, मैं बताता हूँ एक्स वन माइनस एक्स टू दोनों क्या है, एक राइट वाला है और एक लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है और ये वाला लेफ्ट है ठीक है, लेफ्ट पैराबोला, राइट पैराबोला वन है और ये राइट पैराबोला टू है, लेफ्ट पैराबोला टू है, ये राइट पैराबोला है, अभी ठीक है, क्या हो गया बच्चे? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताऊं आपको, देखो बेटे क्या हो रहा है, ये बेटे जब आप जीरो से वन इंटीग्रेट कर रहे हो, कहां से कहां तक, जीरो से वन, तो ये यहां जाके ब्रेक लगा देगा, फिर पूरा एरिया ये वाला आ जाएगा ना भाई, ये वाला पूरा आ जाएगा ना, ये पूरी स्ट्रिप पता कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, हाँ जी ये वाला पूरा आ जाएगा, और उसमें से फिर ये पर्पल वाली स्ट्रिप वाली इसका एरिया माइनस होगा, अभी नहीं आया होगा गेम समय, आ गया होगा, आगे कि नहीं आया, करें बेटे ट्राई आगे, तो बेटे आएगा टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से वन, एक्स वन की वैल्यू क्या है बेटे, वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर, शाबाश, वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा, शाबाश बेटे, प्लस टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और फिर लास्ट में क्या जाएगा डी वाई, बस हो गई कहानी खत्म, अब इसको सॉल्व करना आता ही होगा, मैं सिर्फ क्या बचा, वन माइनस वाई स्क्वायर जीरो से वन, देखो कितना इजी कर रहा है, और फिर डी वाई, और टू टाइम्स भी करना है, कर लेंगे आगे, तो इसको बेटे मैं टू टाइम्स यहाँ कर देता हूँ, देखो टू टाइम्स जीरो से वन इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन थ्री, पता नहीं लगा लो, और जीरो से वन, तो टू टाइम्स पहले वन पुट कर दे, बाकी सब माइनस वन बाय थ्री, बहुत इजी हो गया, और ये आ गया टू बाई थ्री, टू टू फोर बाई थ्री, दैट इज द आंसर, ये आंसर, और टू टाइम्स भी कर दिया तो हमारा ये वाला शेडेड रीजन आ गया बेटे, आ गया होगा समझ के, नहीं तो ये वाला हमने शेडेड रीजन, ये क्वेश्चन है आईआईटी 1981 में आया था, आईआईटीजेई में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक तो ये कर्व है बेटे, ये तो हम सभी जानते हैं अपवर्ड पैराबोला है ना, और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको पता लग रहा है, अगर आप x को 2 को उधर भेजोगे तो x प्लस 2 अपॉन 4 आएगा, तो y को x लाइन तो ये होती है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगी ये, बता सकते हो आप, देखो बेटे आप इसका x एक्सिस को कहां कट करेंगे, y एक्सिस को कहां कट करेंगे वो बता दो, सुनो इनको, x को हम 0 ले लेंगे, देन 4y = 2, y = 2 upon 4, 1 upon 2 आ जाएगा, देन y को हम 0 लेंगे तो x = -2, minus 2, minus 2, 1 by 2, माइनस टू को, ठीक है देखो बेटे इन्होंने बता दिया, देखो बेटे सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले तो ये वाला ग्राफ बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई वाला बनाऊं भाई, मैंने कुछ गलत बनाया भाई, सही है सही बना है, क्या प्रॉब्लम है, किसी को हो रही है प्रॉब्लम, ठीक है अब बेटे मैं एक्स का बनाऊंगा, एक्स इक्वल टू फोर वाई माइनस टू का, इस बच्चे ने सही बोला था कि आप पहले एक्स को जीरो पुट करो तो वाई का वैल्यू टू आ जाएगा, वाई का पॉइंट आएगा वन बाय टू, वन बाय टू एक्स का माइनस टू आया था, सही बोल रही है, ठीक है तो मैं यहाँ से पास करा दूं उसको, ऐसे जाएगा ना भाई, देखो ठीक है ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है माइनस टू, और वाई एक्सिस को कट कर रही है वन बाय टू, वन बाय टू के ऊपर कट कर रही है, यानी जीरो कॉमा वन बाय टू है पॉइंट, और ये वाला है माइनस टू कॉमा जीरो, ठीक है भाई, तो हमें एरिया कौन सा पूछ रहा है पता है ना, कौन सी स्ट्रिप का काम चलेगा यहाँ, हॉरिजॉन्टल का ज्यादा सही रहेगा, है ना, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन, हाँ जी बिल्कुल सही बोला, रिक्वायर्ड पोर्शन का चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, वैसे भी आप स्ट्रेट लाइन में से ये पैराबोला का एरिया भी माइनस कर, वो भी एक तरीका बहुत सही है आपने बोला, ठीक है भाई वो सही बोल रही है वो, है ना, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड रीजन, कौन सा शेडेड एरिया भी बोल सकते हैं, शेडेड रीजन है ना, और इस फिगर में आप शेडेड रीजन देखोगे तो ये आपका शेडेड रीजन है, ये वाला सही लिखा हमने, सही है भाई, ठीक है तो मैं करूं भाई सॉल्व करूं, बताओ ये पॉइंट कौन है, ये वाला भी हमारी बच्ची बताएगी, हाँ दोनों को इक्वेट कर देंगे, हाँ जरा इक्वेट करो, सुनो इनको ये खुद ही इक्वेट करके बताएंगे,
फोर वाई की जगह आप एक्स स्क्वायर पुट करोगे, फोर वाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे तो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो आ जाएगा, जीरो पे तो नहीं करेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, वो आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये क्वाड्रेटिक बनेगी है ना, तो वो क्वाड्रेटिक होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू, नहीं पता लगा लोगों को, अरे बेटी मैंने फोर वाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया और ये जाके उधर घूम गया, ये उधर चला गया ना आपका एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन, तो ये आ जाएगा है ना, बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, मैं सोच रहा था ये माइंड में बता देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस टू जीरो है ना बेटे, तो ये आ जाएगा x x, भाई क्वाड्रेटिक नहीं कराऊंगा मैं है ना भाई, इतना नहीं सही बोला था, टू और माइनस वन, तो एक तो आ रहा है माइनस वन और एक आ रहा है टू, तो माइनस वन पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, टू को जीरो, ठीक है, तो अब मैं करूँ उससे बेटे, अब तो नहीं डाउट होगा, ऐसा ना करो है ना भाई, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन मैं करने जा रहा हूँ माइनस वन से टू तक, माइनस वन से स्टार्ट करूंगा टू तक इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना मैं किसको करूंगा, वाई में इक्वेशन लूंगा ना भाई, अभी मैं कौन सी स्ट्रिप ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये देखो ये बड़ी गलती है, वर्टिकल और क्या, वर्टिकल ले रहा हूँ वो वाई एक्सिस के साथ हम लेते हैं ना ऐसे, बेटे वर्टिकल से काम चल रहा है मेरा, मैं इस स्ट्रेट लाइन में से इस ट्रायंगल के एरिया में से इस पैराबोला ने जो शेडेड करना है माइनस कर दूंगा भाई, यहां से स्ट्रेट लाइन शुरू होगी, वैसे ये ट्रेपेजियम बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या बन रहा है ट्रेपेजियम, बेटे यही एरिया ना, यहां होता तो भाई बात और होती, यहां से स्टार्ट हो रहा है, वैसे भी कर सकते हो, देखना वही आएगा माइनस वन से टू तक मैं इंटीग्रेट करूंगा किसको, एक्स प्लस टू अपॉन फोर को, अरे भाई वाई में निकालो ना भाई, बच्चे क्या कर रहे हो, वर्टिकल स्ट्रिप है यार, वाई में निकालो ना, वाई फिर डीएक्स होता है यार, अरे वाई ये है ना, वाई इक्वल टू दिस इनटू डीएक्स, भाई क्या हो गया माइनस, फिर किसको करोगे भाई, फिर माइनस वन, बोलो बोलो इसको बोलो, पैराबोला का लेना था ना पहले, पहले ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, लाइन ना ऊपर कौन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में से ये पैराबोला के एरिया माइनस हो गया ना बेटे, अभी नहीं ठीक है, ठीक है, अब देखो बेटे अब मैं माइनस करूंगा माइनस वन से टू तक, टू तक है ना, अब किसको करूंगा, पैराबोला को माइनस करूंगा, अब तो नहीं भी डाउट है, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर डीएक्स करें बेटे, यस सर करें, चलो इसको इंटीग्रेट करना होता होगा, वन बाय फोर तो बाहर आ जाएगा, यस सर है ना, कॉन्स्टेंट है ना, और इसका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स, कहां से कहां तक, माइनस वन बाय फोर बार, वन बाय फोर बार, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, कहाँ से कहाँ तक, डीएक्स ये लो, माइनस वन से टू, ऐसा ना करो है ना, करें सॉल्व इसे, पुट कर देते हैं, बस आगे तो आप कर ही लोगे, मैं छोड़ दूँ इसे, इसका एंड में जो आंसर आएगा वो आएगा नाइन अपॉन एट, स्क्वायर यूनिट लिखना चाहते हो लिख दो, या आईटी में आया था बेटे, तो उस समय सब्जेक्टिव पेपर होता तो इसलिए लेंथी था, अभी नहीं आया समझ में, सब्जेक्टिव होता आईआईटी में आया, द एरिया एनक्लोज्ड बाय, द एरिया एनक्लोज्ड बाय, बाकी सब तो कॉपी कर लोगे, राइटिंग कहां से कॉपी करोगे, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, कुछ तो मेहनत कर करके वो भी कर लेते हैं, एक दो महीने लगे रहेंगे उसी को, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स, बिटवीन द कर्व्स, बच्चे आर्गुमेंट करेंगे आगे है ना, होता है ऐसा, आर्गुमेंट करते हैं जब नहीं समझ आते, वाई को एक्स स्क्वायर एंड एक्स, राइटिंग छोड़ो वैसे भी नहीं समझ आएगा तो आर्गू करेंगे, अगर किसी का लेक्चर देखे अगर उन्हें कोई अच्छा डाउट आ गया तो किससे सॉल्व करेंगे, नकल बेटे नहीं, असल में वो चीज नहीं बन पाएगी, ध्यान रखना कभी भी है ना, नकल से कुछ नहीं होगा आपका, नकल में सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, इज ग्रेटर देन जीरो इज वन स्क्वायर यूनिट, वन स्क्वायर कुछ को भी शौक होना चाहिए ना बनने का, 90% पैसा कमाने इस फील्ड में बस, देन द वैल्यू ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है, अभी तो न्यू आया है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है एज का इसमें, एज की बात चल रही है इसको भी 14 साल हो गए हैं, देखो मेरी ये 2004 में आया था क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन भी मैं लिख ही देता हूँ, 1/√3 और बी ऑप्शन है आपका 1/2 और सी ऑप्शन है 1
और डी ऑप्शन है 1 बाय 3. आप समझाओगे सोनी? 1 बाय 3 यू विशा, क्वेश्चन का मतलब समझाओगे आप? मतलब समझा दूंगा, मैं बात ना कर दूंगा, है ना? आगे आप समझा दो. हमें दो कर्व्स दिए हैं, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर और x इक्वल्स टू ay स्क्वायर, और हमें एरिया और इनके बीच का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट्स दिया है. 1 स्क्वायर यूनिट्स दिया है तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किसके बीच का एरिया दिया है? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर और x इक्वल्स टू ay स्क्वायर, उनके बीच का एरिया दिया है 1 स्क्वायर यूनिट, यही बोल रहे हो? चलो देखो बेटा, और a की वैल्यू पूछी है उसने. किसकी वैल्यू पूछी? a की. बस है y इक्वल टू ax स्क्वायर है, तो कौन है ax स्क्वायर, और ax स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसे जाता है, और एक है x इक्वल टू ay स्क्वायर, ये राइट आएगा. x इक्वल टू ay स्क्वायर मतलब y square equal to 4ax. मैंने इन दोनों का एक ग्राफ कराए थे जब स्टैंडर्ड फार्मूला कराए थे. तो ये मान लो अगर किसका ये मान लीजिए अगर x square equal to 4ay है और ये है आपका y square equal to 4bx. b इसको लिया था मैंने, इसको लिया था, इसको a लिया होगा, इसको b लिया होगा, ऐसा किया होगा. हाँ by था, ऐसे लिया होगा मैंने, पता है ना? सही लिखा है, ऐसा होगा. तो इन दोनों का एरिया मैंने प्रूफ किया था, कितना आया था? 16 AB/3. प्रूफ याद है या भूल गया? याद है, याद है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है वाई अपॉन ए, ये दिया हुआ बेटे. इसमें उल्टा ये दिया हुआ है ना यहाँ, ठीक है? ठीक है, अरे ठीक है, क्या हो गया? सही है, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? 1/3a² मतलब एरिया, यानी कि अगर आप यहाँ से आप कंपैरिजन करोगे, क्या करोगे? कंपैरिजन. ये किससे के साथ करोगे? जैसे y² = 4ax है तो 4a का कंपैरिजन किसके साथ होगा? 4a आएगा 1/a, और यहाँ आएगा 4b = 1/b. बी है यहाँ, ये चलो कोई बात नहीं. तो ये ए बी का मल्टीप्लाई यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/a², है ना? तो 1/3a² ये आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा? 16 AB/3 = 1. ये नहीं समझा है? नहीं है, फिर से बताता हूँ. 16 AB/3 इन दोनों के बीच का क्या है? एरिया है. इन दोनों के बीच का एरिया ये दिया हुआ है हमें, 16 AB/3, और इसको इक्वल कर दूंगा मैं किसके? इन दोनों के एरिया. इन दोनों का एरिया क्या होगा भाई? तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बेटा आपसे पूछा है भाई, क्या होगा? तो 16 AB/3, हाँ जी बोलो, आप इसे कौन बताएगा? मैं बताऊं? यह 1/a, ये भी क्या है? 1/a भाई, ठीक है. 4a × 4ab क्या होता है? 16 AB होता है. तो ये 1/a × 1/a × 3 भी तो है साथ में, ये आ गया. तो अभी नहीं आया समझ में, ठीक है? तो ये उधर चला गया, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. बोलो 1/√3 + −1/√3 क्या हो गया? कंपैरिजन किया भाई हमने, क्या हो गया? कंपैरिजन से हो गया, ये आईटी में आया था क्वेश्चन. ये नहीं, जल्दी से कर लोगे? मैंने इसलिए तो कराए थे आपको ये.